प्यारे बच्चों, इस सवाल को देखो। ये सवाल क्या कह रहा है? तीन लड़कों की आयु क्रमागत विषम संख्या है। 5 वर्ष पहले सबसे छोटे और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अनुपात 4:5 था। 2 वर्ष बाद मध्य के व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये जो तीन लड़के की बात हो रही है, इस तीनों लड़के की उम्र के बारे में क्या कहा? क्रमागत विषम संख्या में। क्रमागत विषम संख्या का मतलब होता है बच्चों, दो दो के अंतर पे चल रहा होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, देखो कितने के अंतर पे चल रहा है, दो दो के अंतर पे चल रहा है, राइट बच्चों? इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे और सबसे बड़े लड़की की आयु का अनुपात दे रखा है। और किस समय का अनुपात दे रखा है बच्चों? 5 वर्ष पहले सबसे बड़े और सबसे छोटे लड़के का उम्र का अनुपात दिया है। बच्चों, जब लगातार क्रमागत विषम संख्या आप लिखेंगे तो सबसे छोटा और सबसे बड़े के बीच का अंतर जो है वो बच्चों हमेशा कितने का मिलेगा? 4 का मिलेगा। आप कहीं से भी शुरुआत करिए, लगातार 3 क्रमागत विषम लिखिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा 4 का होगा, राइट बच्चों? आप एग्जाम्पल यहाँ भी देख रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लो, आप 9 से शुरू करिए, लगातार विषम लीजिए, 9, 11, 13, तो 13 और 9 के बीच अंतर 4, हमेशा 4 का ही अंतर। तो बच्चों आप बताओ रेशियो में अंतर कितने का? तो आप कहेंगे रेशियो में अंतर 1 का। और वर्ष में अंतर कितने का हो रहा होगा? 4 का। इसका मतलब सबसे छोटा जो है वो 4×16 और सबसे बड़ा जो है वो 4×25। रेशियो 1 का मान यदि 4 है तो सबसे छोटा का रेशियो 4 है, तो 4×16 और सबसे बड़ा का रेशियो 5 है, तो 4×25। ये आपने इस दोनों का किस समय का उम्र पता कर लिया? तो आपने पता कर लिया 5 वर्ष पहले का। 5 वर्ष पहले सबसे छोटा 16 वर्ष का था, तो सबसे छोटा वर्तमान कितने साल का होगा? तो आप कहेंगे 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, और इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा का उम्र वर्तमान का हम लोगों ने पता कर लिया 21 और 25। और आप जानते हैं कि लगातार ये तीनों क्रमागत विषम में था, इस तीनों का उम्र जो था बच्चों वो क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में है। तो आप ही बताओ क्रमागत विषम कितने के अंतर पे चलता है? दो दो के अंतर पे चलता है। मतलब बीच वाला जो है वो वर्तमान कितने साल का हो रहा होगा? तो वर्तमान 23 साल का हो रहा होगा। और आपसे पूछा है बीच वाले का 2 वर्ष बाद की आयु बताइए, तो बीच वाले का 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 23 में 2 जोड़ दीजिए, 25 वर्ष हो जाएगा। यानी मध्य वाले कितने का हो जाएगा बच्चों? 25 वर्ष का, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। वर्ग की एक भुजा x सेंटीमीटर है, जो आयत की चौड़ाई के बराबर है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसने कहा एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है? तो आप कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो आप कहोगे भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। इसने कहा आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुणा है बच्चों? 3 गुणा है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुणा का है। और उसके बाद आपसे आयत की लंबाई पूछ रहा है। एक और रिलेशन दिया है, वर्ग की एक भुजा जो है x सेंटीमीटर है, यानी वर्ग की भुजा कह रहा है कितना सेंटीमीटर है? x है, यानी a की जगह आप x ले लीजिए, तो x स्क्वायर गुणा 3 हो जाएगा। साथ ही साथ कहा वर्ग की एक भुजा x सेंटीमीटर है जो आयत की चौड़ाई के बराबर है, मतलब आयत की चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, मतलब आयत की चौड़ाई भी x ही है। आयत की चौड़ाई भी क्या है बच्चों? x ही है, तो चौड़ाई की जगह भी आप x ही बैठा दो। x से
ये एक्स कट जाएगा बच्चों, एल का मान जो आपने पता किया वो मिला आपको 3x। एल एक्स के टर्म में पता हुआ, दिए गए डाटा से एल का एग्जैक्ट मान नहीं आ पा रहा है क्योंकि एल का वैल्यू एक्स के टर्म है। यदि एक्स से इंडिपेंडेंट होता, एक्स से स्वतंत्र होता तो कन्फर्म लंबाई पता चलता, लेकिन लंबाई एक्स के टर्म में आया है इसलिए इस प्रश्न में लंबाई एग्जैक्ट क्या होना चाहिए ये हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि जो आयत की लंबाई होगी वो 3 का मल्टीपल होगी, वो 3 का मल्टीपल होगी। एक्स का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स का कुछ भी मान रखिए लंबाई तो 3 गुना x, यानी हर में 3 तो आना ही आना है। चाहे एक्स का कुछ भी मान हो उसमें हमेशा 3 तो फिक्स ही रहेगा ना बच्चों, यानी 3 से कटने वाला ही नंबर होगा, लंबाई जो होगा वो 3 से कटने वाला ही होगा, यानी 3 का मल्टीपल होगा। और आपके ऑप्शन में क्या 3 का कोई मल्टीपल दिख रहा है? यस, आपके ऑप्शन में ऑप्शन सी दिख रहा है जो 3 से कटने वाला है। बच्चों ये 12 आयत की लंबाई हो सकता है बट कन्फर्म नहीं बताया जा सकता है। यदि एक भी कटने वाला नहीं होता तब ऑप्शन लगा देते इनमें से कोई नहीं, लेकिन एक कटने वाला तो दिख रहा है ना, इसलिए हम लोग उसको मारेंगे आंसर में। तो मुझे यकीन है कि आप सभी इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ गए, राइट बच्चों? और बच्चों इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न क्या कह रहा है। स्कीम ए और स्कीम बी में समान राशि 2 वर्षों के लिए लगाई गई थी। स्कीम ए साधारण ब्याज और स्कीम बी चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई और ब्याज दर दोनों स्कीम के लिए समान है। स्कीम ए और स्कीम बी से प्राप्त साधारण ब्याज क्रमशः 2500 रुपये और 2562.5 रुपये है। यदि स्कीम ए की ब्याज दर में 6% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद उस स्कीम से प्राप्त ब्याज क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बच्चों सबसे पहले तो आप ये जान लो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज जोड़ा जाता है। बच्चों पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला साल साधारण ब्याज मूलधन पे ही जोड़ा जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी पहला साल मूलधन पे ही जोड़ा जाएगा। तो पहला साल एक ही धन पर ब्याज जोड़ा जा रहा है इसलिए ब्याज समान होगा, लेकिन अगले साल साधारण ब्याज में ब्याज मूलधन पर ही जोड़ा जाएगा लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर का तो ब्याज लेगा ही लेगा, लेकिन जो पहले साल का ब्याज बन चुका था उस ब्याज पर भी ब्याज लेगा। इसलिए बच्चों दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। पहले साल का तो सेम ही रहेगा सीआई और एसआई, लेकिन अगले साल का सीआई और एसआई में फर्क होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चों आप देखो 2 साल का एसआई 2500 और 2 साल का सीआई 2556.25 डिफरेंट हो चुका है। बच्चों ये अंतर इसलिए हुआ क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के ब्याज का भी ब्याज जोड़ा होगा। बच्चों इस सवाल में सबसे पहले आपको रेट पता करने की आवश्यकता है, आइए दर पता करते हैं, देखो कैसे। बच्चों 2500 से 2562.5 होने का मतलब कितना ब्याज एक्स्ट्रा बढ़ा, आप कहोगे 62.5। ये ब्याज किस रुपये पर लिया गया तो आप कहेंगे ये ब्याज जो एक्स्ट्रा बढ़ा ये एक्स्ट्रा पहले साल के ब्याज का ब्याज जोड़ा गया होगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज यदि 2500 है तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो पहले साल का साधारण ब्याज होगा 1250, जस्ट उसका आधा,
क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल सेम होता है। यदि दो साल में 2500 तो एक साल में 2500 का आधा यानी 1250। इस 1250 का ही कुछ रेट उसने ले लिया होगा, जिस वजह से एक्स्ट्रा कितना रुपया देना पड़ रहा है, 62.5। ये 62.5 1250 का कितना परसेंट है ये पता कर लीजिए, और यही तो आपका रेट। तो रेट निकालने के लिए प्रतिशत को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देते हैं, राइट बच्चों। ये पॉइंट जब हटेगा तो नीचे जीरो आएगा और जीरो से एक जीरो कट जाएगा बच्चों। इस जीरो से इस जीरो को कटा लीजिए और बच्चों 125 से ये 5 बार में कट गया, यानी यहाँ से हमें रेट मिल गया 5%। कितना परसेंट बच्चों, 5%। अब आपसे पूछा है कि यदि इसकी ए का दर 6% और बढ़ जाता तो इसकी ए से कितना ब्याज देना पड़ता। चलिए अब इस सवाल को बनाते हैं। आपने ये पता कर लिया कि स्कीम ए यानी पहले से जो दर था वो दर कितना परसेंट चल रहा था बच्चों, 5%। अब इसमें यदि 6% की वृद्धि होगी तो हो जाएगा 5+6 यानी 11%, राइट बच्चों। हमें 11% पे ब्याज बताना है कि कितना परसेंट ब्याज बनेगा। जरा देखो ये 2500 कितने साल का ब्याज है, तो आप कहेंगे 2 साल का ब्याज है। तो 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 5×10% बच्चों। रेट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है हमेशा। प्रतिशत में ब्याज पता करने के लिए कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज पता करने के लिए रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करिए। तो 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 5×10%, तो बच्चों 10% का ही तो वैल्यू दे रखा है, कितना 2500। कितना बच्चों, 2500। और हम सभी से कितने परसेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कहा जब रेट 6% बढ़ जाए तब ब्याज क्या बनेगा। तो 6% बढ़ने का मतलब 11% की दर से 2 साल में जो ब्याज बनेगा वो 11×22% यानी 22% का वैल्यू आप बता दीजिए बच्चों। तो देखो ये 10 से ये 10 कट गया, 1% का वैल्यू 250, तो 22% का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 25×22 कर लीजिए, 25×50, 25×50 555 और 10 और, यानी 5500 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप शायद मेरे द्वारा समझाए गए सवाल को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, गौर करो। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 722 किलोमीटर है। सुबह 8 बजे बिंदु ए से बिंदु बी की ओर एक कार 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सुबह 10 बजे बिंदु बी से बिंदु ए की ओर एक दूसरी कार 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वे एक दूसरे से किस समय पर मिलेगी। बच्चों ऑप्शन में बजे दिया है, कितने बजे मिलेगी। जब कभी भी ट्रेन के सवाल में बजे पूछे तो बजे से पहले बच्चों हमेशा आपको समय पता करना होगा कि मिलने में कितना समय लगा। आइए सीखते हैं। ए और बी के बीच की दूरी बच्चों कितना दिया हुआ है बताना। तो ए और बी के बीच की दूरी दिया हुआ है 722 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह 8 बजे चली और एक दूसरी ट्रेन 10 बजे, राइट। ट्रेन ही है ना बच्चों, कौन चल रही, एक कार चल रही है, सॉरी कोई बात नहीं, कार चल रही। तो प्यारे बच्चों, एक कार ए से बी की ओर और एक दूसरी कार बी से ए की ओर आ रही है। एक 8 बजे चली और एक 10 बजे चली, राइट। तो आप बताओ, जो कार 8 बजे चली वो अकेला ही इस दूरी को कवर करता जा रहा था, तो कितना घंटा वो कार अकेला चला। कोई 8 बजे चला और दूसरी कार 10 बजे चला, तो ये 8 बजे वाली कार कितना घंटा अकेले चला, तो ये चला 2 घंटा अकेला, राइट। जैसे ही ये 2 घंटा अकेला चला तो बजा होगा 10, और जैसे ही 10 बजा उधर से दूसरी कार भी चलना शुरू कर दी होगी, राइट। चलिए यदि इतनी सारी बातें समझ गए हैं तो आइए सवाल को बनाते हैं बच्चों। ये कार
8 बजे चली और 2 घंटा अकेले चली। तो 2 घंटे में ये पहली कार कितना दूरी तय करी होगी बताओ। पहली कार की जो चाल है वो चाल देखो कितना है। पहली कार की चाल कितना है बच्चों? 46 किलोमीटर प्रति घंटा। जो 8 बजे चली उसकी स्पीड क्या है? 46 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे में 46 दुनी 92, 92 यानी 2 घंटे में ये कार बच्चों कितना दूरी तय कर ली होगी? 92 किलोमीटर। कितना? 92 किलोमीटर। मान लो कि ये 92 किलोमीटर दूरी सफ़र करके यहाँ आया, जैसे ही यहाँ पहुँचा टाइम बज गया होगा 10, और जैसे ही अब यहाँ से ये ट्रेन खुली तब ये जो दूरी है, ये जो दूरी बचा है बच्चों, ये कितना जरा घटा के देख लो। 2 में 2 गया बच्चों 0 है ना, और 12 में 9 गया 3, और ये 630। ये जो 630 किलोमीटर दूरी बचा, इस दूरी को क्या अकेली एक कार तय कर रही है? नहीं, अब ये दूरी दोनों मिल के तय करने जा रही है, क्योंकि दोनों स्पीड में, इधर से ये तो जा ही रही है और उधर से वो भी खुल गई। तो बच्चों अब ये जो रेस्ट दूरी बचा, इस रेस्ट दूरी को सापेक्षिक चाल से तय किया जाएगा। जब दो वस्तु गतिशील हो तो चाल नहीं सापेक्षिक चाल की बात करना होगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब अपोजिट चलेगा तो दोनों का चाल जुटेगा, और जब एक दिशा में चलेगा तो दोनों चाल घट जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो बच्चों इस दूरी को दोनों कार सापेक्षिक चाल से तय करेगी। तो 630 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो दोनों ही कार के चाल को जोड़िए, आपको सापेक्षिक चाल मिलेगा। एक की चाल 46 और दूसरे की चाल 38, 46 और 38 को जोड़िए तो बच्चों कितना मिल रहा है? 84। कितना मिल रहा है बच्चों? 84 किलोमीटर। राइट बच्चों, सही जोड़े हैं? यस, यानी 84 की गति से 630 किलोमीटर दूरी को तय करेगा। तो बच्चों कितना घंटा लगा? तो आप बताओ ये दूरी सफर करने में कितना घंटा, यानी समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। इसे कटाने की कोशिश करो बच्चों, कटेगा। यदि 7 से मैं कटाता हूँ तो 7 से 12 बार में, और सतनमा 63। राइट बच्चों, अब ये कटेगा 6 दुनी 12 और 6 से 15 बार में, यानी बच्चों 15 बटे 2 घंटे में, कितने घंटों में बच्चों? 15 बटे 2 घंटे में ये दूरी कवर कर गया। कितनी दूरी? ये दूरी। अब आपसे पूछा था कितने बजे मिलेगा, आपने अभी पता किया कि इस दूरी को कवर करने में कितना समय लगा? 15 बटे 2 घंटे। मतलब यहां से, इधर से जो कार चल रही थी वो भी 15 बटे 2 घंटा ही चला, और यहां से जो कार चली थी 10 बजे वो भी 15 बटे 2 ही घंटा चला, और दोनों आपस में मिल गया। आपसे पूछा था कितने बजे मिलेगा। बच्चों जब कभी भी बजे पूछे तो जो कार या जो ट्रेन बाद में चली उसके टाइम में डायरेक्ट जोड़ देना। जो बाद में चली, बाद में कौन चली और कितने बजे चली? 10 बजे। बाद में चली बी कार उधर से आने वाली, और कितने बजे? 10 बजे। तो 10 में आप क्या करो? 15 बटे 2 जोड़ दो। 15 बटे 2 का मतलब बच्चों 7.1/2, 15 बटे 2 का मतलब 7.1/2, यानी 7.5 घंटा। तो 10 में 7.5 घंटा जोड़िए तो 10 × 7 = 17.1/2। तो 17 बजे का मतलब क्या हुआ बच्चों? 10 में आप 7.1/2 जोड़ेंगे ना, 10 × 7 = 17, 17 घंटा प्लस आधा घंटा और 17.5 घंटा। तो 17 घंटा जो बोल रहे हैं वो, सॉरी बच्चों गलत हो गया, 10 बजे चली और मिलने में समय लगा 7.5, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो 10 × 7 = 17 बजे। कितने बजे बच्चों? 17 बजे। रेलवे का टाइम आपको पता है 17 बजे को क्या बोलते हैं? 17 बजे मतलब, 17 बजे मतलब बच्चों 12:05, यानी 5:30, 5:30 पर वो दोनों आपस में क्या करेगी? मिल जाएगी। राइट बच्चों, मुझे उम्मीद है कि शायद बच्चे आप सवाल को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। बच्चों सिंपल सी बात है, मिलने में कितना समय लगा ये पता किए, और जो बाद में चला उसके टाइम में सीधा जोड़ देंगे। मिलने में लगा समय 7.5 घंटा, 10 बजे चली दूसरी ट्रेन, दूसरी कार, तो 10 में 7.5 घंटा आप जोड़िए तो 10 × 7 = 17 बज जाएगा। और 17 का मतलब होता है बच्चों 5 बजे शाम, 12 से हमेशा जोड़ दिया करिए, 12:05 = 17, यानी 5:30
30 मिनट पर दोनों ही कार एक दूसरे से क्या होगी, मिल जाएगी। राइट बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 11:7 है। 2 वर्ष पूर्व पी की आयु, 2 वर्ष पश्चात क्यू की आयु का अनुपात क्रमशः 7:5 है। 7 वर्ष पश्चात पी की आयु तथा 7 वर्ष पूर्व क्यू की आयु का अनुपात क्या हो। बच्चों देखो, पी और क्यू की वर्तमान आयु, मान लेते हैं पी की वर्तमान आयु, यहां देखो दोनों का वर्तमान आयु का रेशियो दिया। हम मान लेते हैं कि पी का वर्तमान है 11x, यदि अनुपातिक संख्या x मानेंगे तो एक का 11x होगा और दूसरे का 7x हो जाएगा, और q का 7x मैंने मान लिया। अब 2 वर्ष पूर्व की यदि बात करें, कहता है 2 वर्ष पूर्व p की आयु, इसमें से 2 वर्ष घटा दीजिए। राइट बच्चों, और क्या कहा, 2 वर्ष पश्चात q की आयु, यानी p में 2 घटाइए और q में 2 क्या करिए, जोड़ दीजिए। पी का 2 वर्ष पूर्व का आयु ले लीजिए और क्यू का 2 वर्ष बाद का आयु ले लीजिए, तो कहता है जब ऐसा लीजिएगा तो दोनों के बीच अब उम्र का रेशियो क्या हो रहा है, 7:5 हो जाता है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 7/5 के बराबर। बच्चों यहाँ से आप एक्स का मान निकाल लीजिए, काम बन गया। 11×55x माइनस 5×2 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। 7 से गुणा करेंगे 47x प्लस 7×2 14 प्लस 7×2 14, 49 और 55 का अंतर बच्चों कितना, 6x बराबर 14 और 10 मिलके 24, 6 से कटा दीजिए 4 बार में, यानी x का मान आ गया आपका 4। राइट, अब आपसे क्या पूछा है, 7 वर्ष पश्चात p की आयु तथा 7 वर्ष पूर्व q की आयु का अनुपात। बच्चों यदि x का मान आपने पता कर लिया तो दोनों का वर्तमान उम्र पता चल गया, यानी p का वर्तमान उम्र 11×55, x का मान 4 आया है बच्चों, x का मान 4 आया है, तो 11×44 और q का 67×28, दोनों का वर्तमान उम्र पता चल गया। आपसे पूछा है 7 वर्ष पश्चात पी का, तो 7 वर्ष पश्चात यानी इसमें 7 जोड़ेंगे तो 44 और 7 मिलके हो जाएगा बच्चों 51, और क्यू का कहा 7 वर्ष पूर्व, इसमें जब 7 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 21, और इस दोनों का रेशियो पूछा है बच्चों, ये दोनों 3 से कटने के लिए तैयार है, 3 से ये 17 बार में, 3 से ये 7 बार में, आंसर हो जाएगा 17:7, यानी ऑप्शन। मुझे यकीन है बच्चों शायद आप इस सवाल को भी समझ पाए हों। राइट बच्चों, तो चलिए इसी तरह सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, है ना। और आप तमाम बच्चे कंसंट्रेट होके एक एक सवाल को सीखिए, समझिए। एक बार में समझ में ना आए तो बच्चों दोबारा वीडियो देखो, बार बार देखो। इस ऑनलाइन और डिजिटल दुनिया का फायदा इसी में है। सबसे बड़ी फायदा एक छात्र के लिए यही हो सकता है कि जब एक बार वो नहीं समझ रहा है तो दोबारा उस क्वेश्चन को देखने का मौका मिल रहा है। बस बच्चों हर एक चीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, पॉजिटिव चीज़ को हमेशा अपनाइए, नेगेटिव को दरकिनार कीजिए तो निश्चित ही आप महान बन पाएंगे, अन्यथा 100 में 1% भी आज के डेट में महान नहीं बन पा रहा है बच्चों। यदि उसकी प्रतिशत निकाला जाए तो क्या मैं बताऊँ, 0.00000 वो भी मिलना मुश्किल है बच्चों। इसलिए खुद को आप जरूर कोशिश हमेशा करवाते रहिए कि नेगेटिव चीज़ से बचते रहें। एक कक्षा में लड़कों का औसत भार 56 kg और लड़कियों का औसत भार 41 kg। यदि कक्षा का कुल औसत भार इतना kg है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत। बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है, सवाल को देखो कैसे बनाते हैं। लड़कों का एक बॉयज़ है और गर्ल्स है, लड़कों का कितना दे रखा है 56 और लड़कियों का कितना दिया है 41, और कक्षा का कुल औसत भार क्या बता रहा है 47.25। बच्चों जब कभी भी इस वैरायटी का सवाल मिले, एक बार कुछ ग्रुप का औसत दे, एक बार कुछ अलग ग्रुप का औसत दे, और एक बार पूरे समूह का औसत दे, तो ऐसे सवाल को हमेशा एलिगेशन मैथड से बनाया करिएगा। राइट, एलिगेशन मेथड कैसे होता है, उसी की दोनों का अलग अलग पहले जो दिया था उसको लिखिए, और जो पूरे समूह का देगा उसको थोड़ा सा नीचे उतर के बीच में रखिएगा, और इस तरीके से क्रॉस घटाइएगा, इसको घटा के यहाँ लिखिएगा और इसको घटा के
यहां लिखिएगा बच्चों, राइट। अब इस दोनों का अंतर निकाला जाए, 56 और बड़े में छोटे घटाना है बच्चों, 56 में 47 जब घटाओगे बच्चों तो मुझे लग रहा है कितना होना चाहिए, 56 में जब 47 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा बच्चों, नहीं और 0.25 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8.75, कितना हो जाएगा बच्चों 8.75, ओके। और जब 41 में इसको घटाएंगे बच्चों, है ना, 47.25 में 41 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा आपको 6.25, कितना बच्चों 6.25। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, और लास्ट में बच्चों इस दोनों का क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो पॉइंट से पॉइंट दोनों ही तरफ से कैंसिल होता जा रहा है बच्चों। अब यदि हम लोग इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 5 से कटाइएगा, 5 इकाही 5, 5 दूनी 10, 25 25, और इसे 5 से कटाइए तो 5 इकाही 5, 3 37, 5 सते 35, 2 25 25, 25 से कटा दीजिए 25, 25 125, 25 सते 175, यानी रेशियो मिला 5:7। यानी बॉयज़ वहाँ 5 था तो गर्ल्स वहाँ कितनी होगी, 7 होगी, राइट बच्चों। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कक्षा में लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी लड़कियों का प्रतिशत बताना है। तो लड़कियां हैं कितनी, तो आप कहेंगे लड़कियां हैं 7। इसकी तुलना किससे करना होगा, तो इसकी तुलना करना होगा टोटल से, तो टोटल है कितना 7, 5, 12, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे बच्चों, राइट। इसको कटा दीजिए आप किससे, 4 से कटाइए, 4 3 12, 4 से 25, 25 से 175/3%, 175/3% कहाँ दिख रहा है बच्चों, 3 8 24, 3 5 15, 2 17, 174, और ये आंसर हो जाएगा बच्चों। आप इसे सॉल्व करो, ये भी 175/3 के ही बराबर है, राइट बच्चों। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी सवाल को भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, स्क्रीन पर कुछ यूं नज़र आ रहा है, इसे भी आप लोग देखिए समझिए और बनाने की कोशिश करिए। बहुत ही प्यारा सवाल ये भी है बच्चों। ए और बी ने एक साथ एक व्यापार में निश्चित समय के लिए क्रमशः 36,000 और 42,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 6 महीने पश्चात सी एक निश्चित धन लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि उन्होंने सालाना 39,200 रुपये का लाभ कमाया, जिसमें सी का हिस्सा 7,350 रुपये हो, तो सी द्वारा लगाया गया धन क्या होगा। बच्चों पार्टनरशिप का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को समझाने का। देखो बच्चों इस सवाल को कैसे बनाते हैं। बच्चों सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप पार्टनरशिप का सवाल बना रहे हैं तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखना है, तो पूंजी का रेशियो जो होता है बच्चों वो लाभ के रेशियो के बराबर होता है। पूंजी का रेशियो किसके बराबर होता है बच्चों, लाभ के रेशियो के बराबर होता है, राइट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कब, जब टाइम कॉन्स्टेंट हो, जब टाइम कॉन्स्टेंट हो तो पूंजी का रेशियो बराबर लाभ का रेशियो होता है, राइट बच्चों। जरा यहाँ पर ध्यान दो, ए और बी ने एक साथ व्यापार किया और ए और बी ने कितना कितना रुपया लगाया, तो 36,000 और 42,000, राइट। इस तरह से ए और बी ने रुपया लगाया। 6 महीने के बाद सी भी उसमें शामिल हो गया, और देखो कहता है यदि उन्होंने सालाना यानी एक साल में 39,200 रुपये लाभ कमाया, और उस लाभ में सी का हिस्सा कितना बता रहा है, 7,350 बता रहा है, राइट। आपसे पूछा है सी ने कितना धन लगाया, तो ध्यान दो जिसके बारे में पूछा जाए आप उसी को मान लीजिए। मान लीजिए कि सी ने कितना धन लगाया, एक्स धन लगाया, तो ये सी का, ये बच्चों सी का क्या, तो आप कहोगे सी का धन पूंजी, और सी ने कितना लाभ कमाया, तो आप कहेंगे 7,350। 7,350 ऊपर में सी का पूंजी और नीचे में सी का लाभ, पूंजी और लाभ का रेशियो यही बराबर होगा दूसरे का भी पूंजी और लाभ के रेशियो का, राइट बच्चों। पूंजी का रेशियो बराबर लाभ का रेशियो होता है, इस बात को याद रखिएगा। यदि दो आदमी हैं, दोनों ने अलग अलग धन लगाया, तो दोनों का जो पूंजी का रेशियो होगा वही दोनों का लाभ का रेशियो होगा, या फिर पहले आदमी का पूंजी बटे लाभ तो दूसरे व्यक्ति का भी पूंजी बटे लाभ, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सी की पूंजी और सी का लाभ का रेशियो बनाया, तो ठीक उसी तरह आपको इधर भी
पूंजी और लाभ का रेशो लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर ए और बी की पूंजी दिख रहा है बच्चों, राइट। तो ए और बी दोनों की पूंजी ले लेते हैं। आप चाहें तो ए का भी पूंजी, यदि ए का पूंजी यदि लेके चलेंगे तो ए का लाभ लेके चलना पड़ेगा, या फिर बी की पूंजी लेके चलेंगे तो बी का लाभ निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा वो और मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ए और बी दोनों का कंबाइंड पूंजी ही लेके चल देते हैं। तो क्या दिक्कत है, ए और बी दोनों ने कुल कितना पूंजी लगाया, तो 36 और 42 को जोड़ेंगे बच्चों, 6 2 8 यानी 4 3 7 78,000। ए और बी दोनों की कंबाइंड पूंजी कितना हो गया बच्चों, 78,000। तो इधर ए और बी की कंबाइंड पूंजी लिए तो उसके नीचे अब ए और बी की कंबाइंड लाभ लिखना पड़ेगा बच्चों, कंबाइंड लाभ, क्योंकि आपने दोनों का पूंजी ले लिया तो दोनों का कुल लाभ लिखना पड़ेगा। यदि एक का पूंजी लेते तो एक का ही लाभ लिखते और वहीं से सवाल को बनाते, बन जाता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें फिर ए का लाभ निकालने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, तो उसी से बचने के लिए मैंने कंबाइंड ही लेके शुरू कर दिया। चलो बच्चों, यदि टोटल लाभ 39,200 है, टोटल लाभ कितना है बच्चों, 39,200, जिसमें कि सी का लाभ है 7,350, सी का लाभ है 7,350, तो टोटल लाभ में यदि सी का लाभ घटा देंगे तो ए और बी का लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बच्चों। देखो तो क्या है, 0 10 में 5 गया 5, 11 में 3 गया 8, और यहाँ बच्चों 8 में 7 गया 1, यानी 31,850। कितना बच्चों, 31,850, सही है ना बच्चों, 8 में 7 गया 1, ठीक है, 31,850। यानी ये ऊपर वाला ए और बी का कुल पूंजी और नीचे वाला ए और बी का कुल लाभ, पूंजी बटे लाभ, पूंजी बटे लाभ, इक्वेशन बना लिए, एक्स का मान निकाल लेना। अब इसको सॉल्व करने में आपको जितना वक्त लग जाए बच्चों, ये जीरो से ये जीरो को कटा दें। और एक चीज़ बच्चों, एक चीज़ ब्लंडर मिस्टेक्स हो रहा है। क्या मिस्टेक्स हो रहा है बच्चों, गौर करो, सी जो है वो शुरू से धन में लगा नहीं, शुरू से व्यापार में नहीं था, सी 6 महीने बाद आया। अभी मेरा ध्यान चला गया बच्चों, नहीं तो पूरा परिश्रम बेकार हो जाता। सी शुरुआत से ही नहीं था, सी 6 महीने बाद आया। तो जिस आदमी का, जो आदमी जितना समय तक रहा उसका पूंजी तो उतने ही समय तक के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इस हाल में क्या करते हैं, इस तरह के कंडीशन में क्या करते हैं कि जब एक साथ सभी लोग व्यापार में शामिल नहीं रहा, तब क्या करते हैं बच्चों, पूंजी गुना टाइम। यानी आपको ये जो सी की पूंजी आपने एक्स माना, तो क्या ये शुरू से अंत तक लगा रहा, नहीं, इसने तो 6 महीने बाद आया। तो 6 महीने बाद आया इसकी पूंजी तो 1 साल में 6 महीने के लिए ही लगा रहा होगा ना, यस। तो इसकी एक्स पूंजी कितने माह तक, 6 माह तक। तो x गुना 6 करना होगा, ये हुआ c की टोटल पूंजी, ये हुआ c की टोटल पूंजी। और ये दोनों इतना लगा के शुरुआत किया, और ये दोनों पूरे साल रहा, शुरुआत में ही लगाया था, पूरा साल रहा, पूरा साल मतलब 12 महीना। यानी यह पूंजी इस दोनों का कितने महीने तक लगा रहा, 12 महीने तक। तो आपको 12 से गुणा करना होगा। अब बच्चों ये इक्वेशन हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ, अब इसे सॉल्व करिए, उत्तर आपके सामने में आएगा। तो बच्चों इसे कटाना भी आपको ही, पहले तो 6 2 12 बच्चों बड़ा आसानी से कटता हुआ दिख रहा है, कटा दीजिए, बस एक्स का ही मान तो निकालना है हम लोग को बच्चों। 5 से कटाएं तो 5 से कितने बार में कट रहे, देखो तो 5 इकाई 5 2 23 5 चौके 20 और 5 सते 35 147 बार इसे कटाओ तो 5 छके 30 1 5 दिया 15 3 5 सते 35, राइट बच्चों। और बच्चों और कटेगा तो कटा सकते हैं हम लोग, कटाने की कोशिश किया जाए, ये दोनों कटेगा बच्चों 147 से 147, 78 जो कटेगा बच्चों 13, ये 13 से कट रहा है बच्चों, देखो तो 13 6 78, 13 से कटाओ 13 4 52, 52 यानी शेष बचा 11 और 17, 13 9 117, राइट बच्चों। 13 बार में साफ 13 से मैंने इसे 6 बार में और इसे 49 बार में कटा दिया बच्चों। ये 49 से देखो 3 बार में साफ हो गया, 49 3 147, राइट बच्चों। अब एक्स का मान आपकी स्क्रीन पर, 3 6 18, 18 2 36 और 36 पे ये 3 0 बैठेगा, यानी सी की पूंजी बच्चों कितना, 36,000। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, नो डाउट।
और आपको ऐसे सवाल को जरूर सीखना पड़ेगा, और सीख के जब कभी भी अगला सवाल ऐसा मिले आपको हर हाल में बनाना चाहिए बच्चों, राइट। यदि आप सचमुच एक प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको बच्चों कंसस होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है बच्चों, राइट। ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है, बी शेष कार्य का 25% कितने समय में पूरा करे। अरे बच्चों, वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, तो आप ही बता दो कि 12 दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया होगा। तो ए किया होगा 12 दिन में 12/48 और बी किया होगा 12 दिन में 12/60। वेरी सिंपल, 12 चौके 48, 12 पच्चीस 60, दोनों को जोड़ दिया जाए 1/4 प्लस 1/5, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 9/20, यानी 12 दिन में 9/20 काम हो गया, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 11/20 काम। आंसर हर को घटा दीजिए, शेष निकल जाए करेगा, यानी बचा 11/20। इस 12 दिन काम करने के बाद ए चला जाता है, कहता है बी शेष कार्य का 25% कितने समय में पूरा करेगा। बच्चों शेष कार्य का 25% कार्य इतना बचा है, और इतना भी कार्य नहीं पूछा है, कहा इस कार्य का 25%, 25% मतलब 1/4, 25/100, 1/4, यानी शेष कार्य का 1/4 काम करने में कितना समय लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, बी पूरा काम अकेले कितने दिन में करता था, 60 दिन में, यानी 60 दिन में वो किसी कार्य को फिनिश कर देता है, तो बताओ तो आधा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल टाइम का आधा। यदि 60 दिन में किसी काम को फिनिश करता है तो आधा कार्य करने में कितना, आधा यानी 30 दिन। 1/3 काम करवाइएगा तो टोटल टाइम का 1/3 लगेगा, 1/4 काम करवाइएगा तो टोटल टाइम का 1/4 लगेगा, आपको बस इतना ही काम करवाना है तो टोटल टाइम का इतना भाग लगेगा, यानी 60 का इतना भाग निकाल दीजिए, गुना 60 कर दीजिए, 20 + 60, 11 + 33/4, 33/4 घंटे लगे, घंटा है दिन है, दिन है, 33/4 दिन, यानी 4/8 = 32, 8.1/4, 8.1/4 दिन लगेंगे, यानी 8 दिन और 1/4 दिन, 1/4 दिन को घंटा में बदलेंगे, तो दिन को घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना करना होता है बच्चों, दिन को घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना करना होता है। इसमें जैसे ही 24 से गुना करेंगे, 4 × 6 = 24, यानी 8 दिन 6 घंटा, आंसर हो जाएगा बच्चों बी फॉर बिहार, राइट। बच्चों मुझे उम्मीद है कि शायद बच्चे आप सभी सवाल को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन 64 m³ है। घन का आयतन यदि हम मान लें बच्चों, घन की भुजा ए, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, और ये दिया हुआ है 64, यानी ए का मान कितना, 4। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिए 6a² होता है। आपने ए का वैल्यू पता कर लिया, तो क्या 6a² का वैल्यू नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा बच्चों, तो बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 24 × 6, यानी बच्चों सॉरी सही है ना बच्चों, 24 क्यों कर रहा हूँ, सॉरी 4² बच्चों 16 × 96, यानी आंसर होना चाहिए ए नंबर, राइट बच्चों। चलिए अगला सवाल बच्चों स्क्रीन पर ये रहा, इसे बनाने की कोशिश करिए आप लोग फटाफट। 1729 को दो प्राकृतिक संख्याओं के
घड़ों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, इन संख्याओं में एक कौन है? बच्चों, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप सभी को यदि क्यूब का थोड़ा भी अनुभव है, कुछ क्यूब यदि आप लोग याद किए हैं तो बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे। ये 1729 कहा किस दो प्राकृतिक संख्या के, मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है, उस दो संख्या में एक संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है, उसी को आपको पकड़ना है। पहले बच्चों, वेरी सिंपल, आपको पता होगा 729 के बारे में, जानते हैं ये 9 का क्यूब होता है, तो 9 का क्यूब होता है बच्चों 729, और यहाँ बचा 1000, और 1000 10 का क्यूब होता है, दोनों को जोड़िए, देखिए 1729 होता है कि नहीं। इसका मतलब कन्फर्म संख्याओं में एक संख्या हमारा क्या है, 9 है। बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों, ऑप्शन देख के भी दिमाग लगा सकते हैं, इसमें विशेष कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से वापस आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटे के। मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी इस वैरायटी का सवाल हो, ध्यान से समझ लो, इधर से कोई गया एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापस आया वाई किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, राइट बच्चों, और पूछे कि यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ से यहाँ वापस आने में उसकी औसत गति क्या रहा, तो उसका फॉर्मूला सीधा याद रखना, 2xy बटे x प्लस वाई। जब कभी भी दो दूरी समान हो, देखो जाने में वही दूरी वापस आने में वही दूरी, जब कभी भी दो दूरी समान हो और दोनों दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 2xy बटे x प्लस वाई। इस फॉर्मूले पर बैठा दो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया और वापस आया, दूरी सेम, अलग अलग चाल दिया हुआ है, पूरी यात्रा का औसत चाल पूछ रहा है, तो फॉर्मूला पे बैठा, 2 × 6 × 4/6 + 4 यानी 10, 6×24 = 48/10 यानी 4.8, ये आंसर होना चाहिए। यस बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर क्या कर रहा है। ओहो, ये क्वेश्चन ही कुछ, ओ बच्चों दो पार्ट में टूट चुका है ये क्वेश्चन, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। बच्चों, एक बंदर 10 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, वह प्रथम मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है, परंतु द्वितीय मिनट में 2 मीटर नीचे की ओर फिसल जाता है, फिर तृतीय मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और चौथे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसलता है, यही प्रक्रिया होती रहती है, वह खंभे के शीर्ष पर निम्नलिखित समय में पहुँचेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, तो प्यारे बच्चों अभी मैं कॉन्सेप्ट विशेष नहीं देना चाहूँगा, मैं ऐसे प्रश्न को बनाने का एक तरीका आप सभी को बता देता हूँ, हमेशा ये तरीका अपनाना और निश्चित ही आपका आंसर सटीक और एकदम 100% सही आएगा। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पहले इस पर फोकस करो। सबसे पहले एक खंभा है और उस खंभे की लंबाई देखो कितना दिया था बच्चों, दो पार्ट में आ गया, थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। एक बंदर 10 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, प्रथम मिनट में यानी पहला मिनट में 3 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में देखो क्या करता है, वो 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। बच्चों, एक मिनट में 3 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, सवाल को बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप उस स्टेप को हमेशा के लिए याद रखना। पहला स्टेप में क्या करना, खंभे की जितनी लंबाई है उस लंबाई में दो तरह की हाइट यहाँ पे होगा, बंदर जब भी चढ़ेगा किसी खंभा पे, उसका फिसलना और चढ़ना जारी रहा तो उसका बच्चों दो हाइट होगा। एक चीज़ याद रखना, कौन कौन सा, एक पॉजिटिव डिस्टेंस और एक नेगेटिव डिस्टेंस। एक बार चढ़ता है फिर फिसलता है, चढ़ने वाली दूरी को पॉजिटिव दूरी मान लेना और उतरने वाली यानी फिसलने वाली दूरी को निगेटिव मान लेना। हम पॉजिटिव और निगेटिव जब बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा। बच्चों, सबसे पहले टोटल लंबाई में पॉजिटिव दूरी को घटा देना, पॉजिटिव दूरी यानी जितना वो चढ़ता है, चढ़ता 3 है, 3 को घटा लेना, घटाने के बाद कितना कैसा, हमेशा बच्चों हर सवाल में यही काम करना, घटाने के बाद जो आया उसमें बच्चों पॉजिटिव डिस्टेंस और नेगेटिव डिस्टेंस के अंतर से भाग लगा देना, पॉजिटिव 3 नेगेटिव 2 दोनों का अंतर 1 1 से भाग लगा देना, राइट बच्चों। भाग लगाने के बाद यहाँ भागफल बताओ कितना, तो आप कहेंगे 7, जो भागफल आया उसे आप
पेयर के रूप में समझना, उसे आप पेयर यानी जोड़ा के रूप में समझना। ये जोड़ा क्या है? तो चढ़ने और उतरने को हम एक जोड़ा कहते हैं, चढ़ने और उतरने को एक जोड़ा कहते हैं, यानी कितना जोड़ा बना? सात जोड़ा बना। अब बताओ बच्चों, एक जोड़े में कितना समय लगा? चढ़ने में 1 मिनट, फिसलने में फिर से 1 मिनट, तो एक जोड़ा में कितना मिनट हो रहा है बताओ? 2 मिनट। ये बात आप मतलब ये जो जोड़ा का समय है वो कैसे पता करेंगे? यानी पॉजिटिव डिस्टेंस चढ़ने में कितना समय और नेगेटिव डिस्टेंस यानी उतरने में कितना समय, दोनों को जोड़िए। तो चढ़ने में 1 मिनट, उतरने में 1 मिनट, टोटल 2 मिनट, यानी एक जोड़ा में 2 मिनट, तो 7 जोड़ा में कुल कितना मिनट? 7 × 2 = 14 मिनट। कितना मिनट? 14 मिनट। और 7 जोड़ा का मतलब हुआ कि वो बंदर जो है, आप जान रहे हैं बच्चों, 7 जोड़ा यानी एक एक करके चढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है वो बंदर? 3 चढ़ा 2 फिसला, तो एक जोड़ा में 1 ही मीटर चढ़ा ना। 1 मीटर करते करते वो क्या हुआ? 7 मीटर तक तो तय किया होगा। और मान लो कि ये 7 मीटर यहाँ तय हो गया बच्चों, तो लास्ट का एक ऐसा केस होता है कि बंदर सिर्फ छलांग लगाएगा और उस छत को, उस खंभे के शीर्ष को छू लेगा। तो लास्ट चांस में क्या होगा? सिर्फ बंदर जंप मारेगा, फिसलाना नहीं है वहां। तो बच्चों ये 7 जोड़ा का मतलब हुआ कि वो 7 मीटर दूरी तय कर लिया, और 7 मीटर दूरी तय करने में उसे 14 मिनट लगा। अब बताओ 7 के बाद क्या करेगा? अगला मिनट जैसे ही आएगा तो वो जंप मारेगा। फिसलने के बाद फिर से क्या करता है? 3 मीटर जंप मारता है। तो जैसे ही 3 मीटर जंप मारेगा, खंभे के शीर्ष को छू लेगा, यानी अगला 1 मिनट और लेगा और शीर्ष को छू लेगा। तो 14 में 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 15, यानी 15 मिनट में बंदर जो है खंभा के शीर्ष को छू ले। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, अक्सर आप सभी के परीक्षा में ये बंदर वाला सवाल आता रहता है, तो जरूर आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आपका सवाल निश्चित ही बनेगा। राइट बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं किंतु वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि बी को 45% अंक प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वह आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक पाता है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? ध्यान से समझो बच्चों, न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी पास का अंक पूछा जा रहा है, गौर से समझना। एक लड़का 30% नंबर लाया लेकिन वह 60 नंबर से क्या हो गया बच्चों? फेल हो गया। तो फेल को हम नेगेटिव से इंडिकेट कर लिए, मतलब 60 नंबर उसे कम आया। राइट, लेकिन उसी परीक्षा में एक दूसरा लड़का 45% नंबर लाया लेकिन वह क्या हुआ बच्चों? वह क्या हुआ? और इस प्रकार आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण से 15 अंक ज्यादा ले आता है, यानी वह 15 नंबर क्या करता है? प्लस ले आता है, पास से 15 नंबर ज्यादा। बच्चों जरा तुलना करो, प्रतिशत में ये दूसरा लड़का कितना प्रतिशत ज्यादा लाया? तो आप कहेंगे 15%। नंबर में कितना ज्यादा लाया बताओ? नंबर में 75 मार्क्स ज्यादा लाया। नंबर में कितना ज्यादा लाया? 75 नंबर ज्यादा लाया। ये बात नहीं समझ मा रही है? जरा गौर करो, ये लाइन सपोज करो पास मार्क्स का, ठीक है। एक लड़का इससे नीचे रह गया, 20 नंबर से फेल हो गया, यानी 20 नंबर इससे नीचे था। दूसरी बार वही लड़का परीक्षा दिया और इस बार पास से 25 नंबर ज्यादा ले आया, 25 नंबर ज्यादा ले आया। तो क्या कहोगे कि पिछले परफॉर्मेंस से वो मात्र 5 नंबर ज्यादा लाया? पिछली बार जब परीक्षा दिया था, जब फेल किया था, तो क्या उससे मात्र 5 नंबर ज्यादा लाया? नहीं, 25 नंबर ज्यादा लाया। देखो पिछले बार 20 नंबर नीचे था, यदि सिर्फ पास करता तो 20 नंबर ज्यादा लाना पड़ता, वो 20 नंबर ज्यादा ही नहीं लाया, पास से भी 25 ऊपर चला गया, तो 20 + 25 यानी 45 नंबर ज्यादा लाया। तो इसलिए बच्चों ये नेगेटिव और पॉजिटिव को हमेशा जोड़ना। तो नंबर में कितना ज्यादा लाया बताओ? तो आप कहोगे नंबर में लाया बच्चों कितना? अच्छा लास्ट में क्या पूछा है बच्चों? न्यूनतम उत्तीर्णांक बताओ, है ना? तो न्यूनतम उत्तीर्णांक बताना है हमें कितना है। चलो तो बच्चों प्रतिशत में कितना ज्यादा लाया? 15, और जबकि नंबर में कितना ज्यादा लाया? 75। राइट, आपने प्रतिशत और अंक का रिलेशन पता कर लिया, उस परीक्षा में प्रतिशत और अंक में रिलेशन क्या है ये पता चल गया, यानी 15%, उस परीक्षा के 15% का वैल्यू कितना है? 75। तो आप बताओ, आप
या तो यहाँ से पता कर लेना या तो यहाँ से कहीं से भी पता कर सकते हो। मैं यहाँ से ही पता करता हूँ। तो बताओ 30% जो लड़का लाया था आखिर वो नंबर कितना लाया होगा? यदि उस परीक्षा के 15% का वैल्यू 75 है तो 30% का वैल्यू कितना होगा? प्रतिशत दोगुना हुआ तो नंबर भी दोगुना हो जाएगा, दैट इज 150। यानी 30% नंबर लाया था प्रतिशत में, इसका मतलब वो लड़का अंक में कितना लाया? तो अंक में 150 लाया होगा। और 150 ला के भी वो लड़का 60 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 60 नंबर और आ जाता तो वो पास कर जाता। यानी बच्चों 210 नंबर लाता तो वो पास कर जाता, और आपसे पास का ही अंक पूछ रहा है, यानी आंसर सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप शायद समझ रहे हैं। राइट बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों क्या है, 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या है? 21 घड़ी का CP बराबर है 18 घड़ी के SP के। बच्चों 3 × 21 3 × 6 = 18, यहाँ से CP और SP का रेशियो पता करो तो आ रहा है 6:7। कोफिशिएंट उलट जाएगा बच्चों, जब भी बराबर का चिन्ह हो तो कोफिशिएंट उलट जाएगा रेशियो लिखते समय। जैसे CP में 7 गुना है वो चला गया SP में, और SP में जो 6 गुना है वो CP के पास चला गया, मतलब 6 में खरीदा 7 में बेचा। फायदा 1 का तुलना हमेशा क्रय मूल्य से करना, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करना, 2 × 6 = 2 × 50, 50/3 का मतलब 16.2/3, यानी 16 से थोड़ा ज़्यादा, यानी आंसर बी फॉर बिहार बच्चों। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों। यदि एक गोले का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको गोले का आयतन के बारे में जानना चाहिए कि गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 πr³। राइट, कहा गोले का व्यास दोगुना कर दिया जाए। प्यारे बच्चों एक बात हमेशा के लिए याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, यदि त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो व्यास भी दोगुना होता है। यदि त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो व्यास भी दोगुना होगा, और व्यास दोगुना कर दिया जाए तो त्रिज्या भी दोगुना होगा। यदि परिधि दोगुना कर दिया जाए तो त्रिज्या भी दोगुना होगा, त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो परिधि भी दोगुना होगा। बच्चों त्रिज्या व्यास परिधि, तीन बात मैंने बोला, त्रिज्या व्यास और परिधि सरकमफ्रेंस, इस तीनों में किसी भी एक को दोगुना किया जाए, परिधि दोगुना कर दिया जाए तुरंत समझ जाना रेडियस भी दोगुना हो गया, व्यास दोगुना कर दिया गया तुरंत समझ जाना रेडियस भी दोगुना हो गया। राइट बच्चों, कहा गोले का व्यास दोगुना कर दिया गया तुरंत समझ जाओ गोले की त्रिज्या दोगुना कर दिया गया। गोले की त्रिज्या दोगुना हो गया कहता उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ कि त्रिज्या r था और r से त्रिज्या को क्या कर दिया? 2r कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? 2r कर दिया। फॉर्मूला में आ जाओ तो 4/3 πr² तो कॉमन ही रहेगा ना, पहले गोले का जो आयतन निकालेंगे तो वहां भी 4/3 π लिखेंगे, और जब दूसरे गोले का आयतन लिखेंगे तो वहां भी 4/3 π लिखेंगे। वो तो फॉर्मूला का कांस्टेंट चीज है, बदलने वाला चीज क्या है? तो रेडियस है। तो बस आप जब भी प्रतिशत पता करना चाहो बच्चों सिर्फ रेशियो पता करो, प्रतिशत निकालने के लिए सिर्फ रेशियो की जरूरत होता है। मतलब हम पता करने जा रहे हैं पहले वाला गोला और बाद वाले गोले का आयतन का रेशियो क्या बनेगा। तो जब रेशियो लेने की बात होगा तो ये कॉमन चीज तो कट ही जाएगा, पहले गोले में भी 4/3 π, दूसरे गोले में भी 4/3 π, दोनों कट जाएगा। राइट, तो बचेगा क्या? r³। पहले गोले की त्रिज्या यदि r³ है और r को कहा व्यास कहा दोगुना, समझ गए त्रिज्या दोगुना, यानी r को क्या कर देना है? 2r। तो जब आयतन का बात करेंगे तो वहां हो जाएगा 2r³। तो दोनों ही केस में रेशियो यही तो आएगा बच्चों, r³ और ये 8r³, r³ से r³ कटा 1:8। यानी पहले का आयतन 1 था तो नया आयतन 8 बन जाएगा। कितना वृद्धि हुआ? 7 का। तुलना किससे? पहले वाले से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 700%, यानी आंसर हो जाएगा बच्चों बी फॉर बिहार। मुझे उम्मीद है बच्चों आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर, ये रहा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्षों में अपने का दुगुना हो जाता है, यह अपने का 8 गुना कब हो जाएगा? कितने वर्षों? बच्चों बहुत ही फेमस सवाल, जरा ध्यान से सुनो। 5 वर्षों में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो गया, आपसे पूछ रहा 8 गुना होने में कितना वक्त लेगा। तो बच्चों सबसे पहले गुना का रिलेशन लिखते जाओ, दोगुना जितना गुना होना उतना ही गुना करते जाओ। जैसे दोगुना हुआ फिर गुना दो करो, फिर गुना दो करो, यदि तिगुना हो जाता तो गुना 3 करता, गुना 3 करता
चौगुना हो जाता, गुना चार करता, गुना चार करता अठगुना हो जाता, गुना आठ, गुना आठ, गुना आठ दोगुना हुआ, गुना दो करो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, अठगुना में ही पूछा था, रुक जाओ। अब इधर आपने गुना किया और इधर वर्ष को जोड़ते जाना है, पाँच है तो पाँच ही जोड़ना, छः रहेगा तो छः ही जोड़ना, पाँच में पाँच जोड़ेंगे दस, दस में पाँच जोड़ेंगे पंद्रह, यानी आठ गुना होने में कितना वर्ष, पंद्रह वर्ष, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को अपने तरीके से बेस्ट प्रयास किया आप सभी को समझाने का, यकीनन कुछ बच्चों को अच्छा लगा होगा, कुछ बच्चों को शायद नहीं भी अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों को मेरा ये डिस्कशन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक भी करिए, फीडबैक भी दीजिए, और अच्छा लग रहा हो सचमुच तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमेशा नया नया ज्ञान आपको सीखने का मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें तो आप निश्चित ही अपने जीवन के महानतम लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।